बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हुए थे, जी हाँ, वो बोचहा की सीट है। बोचहा में 12 अप्रैल को वोट डाले गए थे, आज 16 अप्रैल है और आज वोटों की गिनती की जा रही है। अभी तक 9वें राउंड की गिनती हो चुकी है और इस 9वें राउंड में राजद ने बड़ी छलांग लगाई है। राजद के उम्मीदवार हैं अमर पासवान, अभी तक 11,220 वोटों से आगे हैं और भाजपा के जो उम्मीदवार थी बेबी कुमारी, उनको 15,003 वोट मिले हैं और वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर गीता कुमारी, उनको 13,002 वोट मिला है। तो वीआईपी ने भी जबरदस्त मुकाबला किया है। यहां पर 25 राउंड की गिनती होनी है और अभी तक 9वें राउंड की गिनती हो चुकी है। अब देखना होगा कि राजद अपनी जो स्थिति है उसको बरकरार रखती है या फिर कहीं आगे जाकर के पिछड़ न जाए। लेकिन इस वक्त भाजपा के लिए बुरी खबर है, भाजपा लगातार इस सीट को जीतने के लिए मेहनत कर रही थी। इस सीट पर दर्जनों मंत्री, दर्जनों विधायक लगातार कैंप कर रहे थे। वहां के जो स्थानीय सांसद है अजय निषाद, उन्होंने भी काफी मेहनत किया था। कहा जा रहा था कि अजय निषाद यहां पर उतनी मेहनत अपने चुनाव में नहीं किए थे जितना मेहनत इस सीट को जीतने के लिए वो कर रहे हैं। बता दें कि मुकेश सहनी ने यहां पर भाजपा को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। भाजपा के जो उम्मीदवार थी बेबी कुमारी, उनका वोट काफी काटा है। कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी के जो वोटर हैं, निषाद वोटर, वो कहीं ना कहीं अजय निषाद के साथ जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। पूरी तरीके से जो निषाद वोट है वो मुकेश सहनी के साथ है, तो इससे राजद को काफी फायदा दिख रहा है। राजद के जो उम्मीदवार हैं अमर पासवान, वो काफी आगे निकल गए हैं 9वें राउंड की गिनती में। अब ऐसा ही रहा तो भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं वीआईपी से भी पिछड़ सकती हैं, क्योंकि वीआईपी 13,000 वोट पा चुकी है अभी तक और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं बेबी कुमारी, उनको अभी तक 15,002 वोट मिला है। तो कहीं ना कहीं 2,000 का फासला है वीआईपी और भाजपा के बीच। अगर ऐसा ही मुकाबला आगे रहा तो वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं वो बेबी कुमारी से आगे निकल जाएगी। तो मुकेश सहनी का मेहनत यहां पर कहीं ना कहीं रंग ला रहा है। हालांकि मुकेश सहनी इस सीट को जीतना चाहेंगे, लेकिन अगर वो दूसरे स्थान पर भी रहते हैं, भाजपा हार जाती है, तो उनको कहीं ना कहीं दुख से ज्यादा खुशी जाहिर होगी। लेकिन अगर भाजपा यहां पर जीतती है तो मुकेश सहनी के लिए बड़ा झटका हो सकता था। लेकिन यहां पर अब स्थिति साफ होता दिख रहा है। यहां पर राजद के जो उम्मीदवार है अमर पासवान, वो काफी आगे निकल रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो अमर पासवान जो है कहीं ना कहीं अच्छी खासी मार्जिन से यहां पर जीत दर्ज करेंगे। अमर पासवान को कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट का भी फायदा मिल रहा है। उनके पिता थे अमर पासवान, वो वीआईपी से विधायक थे, उनका निधन हुआ और अमर पासवान जो है राजद में चले गए और राजद से टिकट लेकर के चुनावी मैदान में है। और वीआईपी ने एन मौके पर रमई राम, जी हाँ, राजद के पूर्व नेता, कद्दावर नेता है इस क्षेत्र के, उनके बेटी को टिकट दिया और वो भी यहाँ पर अच्छा खासा वोट काट रही है। तो बेबी कुमारी के लिए बड़ा झटका है, भाजपा के लिए बड़ा झटका है। 9वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 9वें राउंड में राजद 11,000 वोटों से आगे चल रही है। अब बन रहे हमारे साथ, आपको हम उपचुनाव की पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।